आपको याद होगा कि केराना का एक बाय इलेक्शन था, जहां एक हमने एक स्लोगन दिया था और एक नया पॉलिटिकल समीकरण बनाया था। उसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में एक व्यावहारिक और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने गठबंधन बनाया है। नारा भी वही है, मुद्दे भी वही हैं, गन्ना जीतेगा जिन्ना हारेगा। इसका मतलब साफ है, जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने किसानों का सम्मान नहीं किया, नौजवानों को रोजगार नहीं दिला पाए, अब उनका वक्त खत्म है। और जिस तरह से उम्मीद के साथ सभी जाति और वर्ग का समर्थन आज गठबंधन के पक्ष में आता दिख रहा है, खासतौर से जो यूथ वोट है, जब मैं शब्द उम्मीद का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो यूथ वोटर जो है वो उम्मीद और विश्वास के साथ आ रहा है। हमने देश का कल बजट देखा, जिसमें किसानों के लिए, रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं था। नरेगा जैसी योजना, जिसको खुद आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट के एक दिन पहले पेश हुआ था, ये बता रहा था कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। कोरोना महामारी में वही एक तरीका था कि शहरों से पलायन कर रहे मजदूर, जब वो गांव लौटे, उन्होंने अपना घर का, परिवार का, जो भी वो इंतजाम कर सकते थे, उस योजना के माध्यम से उनको एक आर्थिक सहारा मिल रहा था। पिछले वर्ष नरेगा में 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल के बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ का आवंटन सरकार ने किया। 2018-19 यानी 3 वर्ष पहले औसतन 51 मैन डेज मिलते थे, जहां 100 दिन का रोजगार योजना में देने हैं, 51 दिन केंद्र सरकार दे रही थी, जो एक अन्याय है, और वो इस बजट ने और घटा दिया, सिर्फ 44 दिन का काम इस योजना में हम मजदूर को देना चाहते हैं। तो फिर रोजगार के लिए भी आपने देखा, बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके, और किसानों के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जो एक नई योजना प्रधानमंत्री ने चालू की थी, पिछले साल का बजट 4,000, इस साल का बजट 2,000 करोड़, आधा कर दिया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, पीएम फसल बीमा योजना, उसका बजट घटा दिया। तो ये संकेत हैं कि सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की हो, और ये एक फ्रेज को यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी को, डबल इंजन सरकार, ये डबल इंजन की मार पड़ रही है किसान पर और नौजवान पर। तो आज कैराना की इस धरती पर हम लोग साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है, और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है।